हाय, दिस इज़ सोन एंड वेलकम्स यू ऑल एट ऑनलाइन लाइब्रेरी चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हरियाणा जीके का लेक्चर थर्ड, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहने जा रहा है करंट अफेयर्स। आज हम अप्रैल महीने के अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स को डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अप्रैल 2020 के, वो ही इसमें हमने कवरअप किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हरियाणा सरकार ने धान की बजाय मक्का, अरहर, ग्वार, तिल आदि बोने की अपील किसानों से की है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो हमारा हर साल हम धान की खेती करते हैं, उसके कारण हमारा जो पानी का ज़मीनी पानी है, ग्राउंड वाटर है, उसका लेवल डाउन जा रहा है। इसके कारण हरियाणा सरकार ने धान की खेती की बजाय किसानों से कहा है कि आप मक्का, अरहर वगैरह की किसी चीज़ की अन्य फसल लगवाए। इसके लिए सरकार 7,000 रुपये ने किसानों को बोनस के रूप में भी देगी। अगले पॉइंट पे चलते हैं। रॉबर्ट ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा जिंदल स्टेनलेस हिसार लिमिटेड को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार 2020 मेरिट दिया गया है। तो जो हिसार में जिंदल स्टील इंडस्ट्रीज है, उसको ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने कौन सा पुरस्कार दिया है? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार 2020 मेरिट। नेक्स्ट पॉइंट, हरियाणा सरकार ने पानी की बचत के लिए जल ही जीवन है अभियान चलाया हुआ है। अगला पॉइंट है, जरूरतमंद परिवारों की सहायता के लिए अडॉप्ट फैमिली योजना करनाल से शुरू हुई। करनाल किसका क्षेत्र है? खुद मनोहर लाल खट्टर का क्षेत्र है। तो वहाँ पर जो गरीब परिवार हैं, उनकी फैमिली को, पूरी फैमिली को अडॉप्ट करने की योजना कहाँ चलाई गई है? करनाल में चलाई गई है। हरियाणा सरकार ने छात्रों के लिए संपर्क बैठक ऐप लॉन्च किया है। यह जो ऐप है संपर्क बैठक, इसी के थ्रू अब ऑनलाइन पढ़ाई होगी बच्चों की। किस दौर में? COVID-19 के दौर में। हरियाणा सरकार ने अगले एक वर्ष तक सरकारी वाहनों की खरीद पर रोक लगा दी है। अब हरियाणा सरकार ने क्या किया कि नेक्स्ट एक ईयर तक अब कोई भी सरकारी वाहन की खरीद नहीं होगी, ना ही बसें, ना ही एम्बुलेंसेज वगैरह। और जो अफसरों की गाड़ी थी वो तो पहले से ही बंद कर रखी है सरकार ने, अब इन साधनों पर भी रोक लगा दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, हरियाणा में रोड पर लोगों की सुरक्षा के लिए ट्रैफिक विंग बनाया जाएगा। हरियाणा में जो रोड पर लोग यात्रा करते हैं, जो ट्रैवल करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए अब क्या बनाया जा रहा है? ट्रैफिक विंग बनाया जा रहा है। और रोड के ऊपर क्या है, हर 60 किलोमीटर पर ट्रॉमा सेंटर बनाने की योजना पहले से ही हमारे लागू है। हरियाणा सरकार ने कितनी रोडवेज बसों को चलाने का फैसला किया है? किसके रूप में चलाने का? मोबाइल डिस्पेंसरी के रूप में कितनी बसें चलाई जाएगी हरियाणा रोडवेज की? टोटल 500 बसें। नेक्स्ट पॉइंट है, सेंटर फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी को विज्ञान परिषद से स्थानांतरित करके किसको दे दिया गया है? अब दे दिया गया चौधरी चरण सिंह, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये कहाँ है? ये हिसार में है। और इसको स्वीकृति किसने दी है? हरियाणा सरकार ने स्वीकृति दी है। पहले जो सेंटर फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी था, उसको वो पहले विज्ञान परिषद के हाथ उसमें अधिकार क्षेत्र में था, वो किसको दे दिया गया? CCSHU को दे दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, अब हरियाणा में हर महीने के पहले मंगलवार को राजस्व दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, हर महीने का जो पहला मंगलवार होगा उसको राजस्व दिवस से मनाया जाएगा। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में एक सीट कोरोना से जिसकी मौत हो जाएगी, उसके आश्रितों को अब दी जाएगी। तो GGU के अंदर अब जो भी व्यक्ति कोरोना से मर जाता है, उसके जो जो आश्रित हैं, उसके परिजनों को, उसके आश्रितों को एक सीट आरक्षित कहाँ होगी? गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में। हरियाणा के कितने खंडों को सक्षम किया है? 22 खंडों को। कब तक? अप्रैल 2020 तक। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन कौन है? प्रतिभा सुमन जी। हरियाणा ने किस में हिस्सेदारी मांगी है? PU में। PU कहाँ है? चंडीगढ़ में। किससे हिस्सेदारी मांगी है? ऑब्वियसली पंजाब से मांगी है। PU मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी। सरकारी कॉलेजों की स्टार्टअप प्रतियोगिता की नामी राशि क्या है? 5 लाख। ये जो हरियाणा में जितने भी सरकारी कॉलेज है, वहाँ पे जो स्टार्टअप प्रतियोगिता होती है, उसकी नामी राशि कितनी रखी है? 5 लाख रुपए रखी है। COVID-19 हरियाणा परामर्श वेबसाइट कौन सी है? haradesh.nic.in है।
कोविड-19 के कारण आर्थिक गतिविधियों में आई कमी के कारण सहायता के लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा MSME बहाली ब्याज लाभ योजना तैयार की है, क्योंकि अब रोजगार जो लोगों के कोविड-19 के कारण ख़त्म हो रहे हैं, तो सरकार ने उसी रोजगार को यदि वो बना रहे तो इसके लिए MSME की बहाली ई ब्याज योजना शुरू करी है, ताकि कम दर पर उन्हें ब्याज मिले और वे छोटे उद्योगों को लगा सके। कुमारी विकास राणा जो कहाँ की हैं, ये सुदकन कला जिंदगी हैं। इन्होंने फर्स्ट विंटर स्कीइंग कंपटीशन में सीनियर वर्ग में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 2 मेडल हमारे देश के लिए जीते हैं। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड ने देश का सबसे बड़ा धर्मचक्र किसे माना है? टोपरा कला में जो चक्कर है उसे माना है। एस्टेट पास का सर्टिफिकेट अब कितने साल तक वैध रहेगा? 7 साल तक। पहले कितने साल तक वैध रहता था? 5 साल तक। हरियाणा सरकार ने 2020 तक सभी रेलवे क्रॉसिंग समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। जो पहले ओपन रेलवे क्रॉसिंग होती थी, अब वो कैसी हो जाएगी? लॉक्ड हो जाएंगी, वो ओपन नहीं रहेगा, वहाँ पर एक गार्ड होएगा। आशीष गुप्ता ये एक बिजनेसमैन है जो फोर्ब्स अंडर 13 ही एशिया सूची में पहले हरियाणवी बने हैं। कौन बने? आशीष गुप्ता। हरियाणा के CM ने जल जीवन मिशन की समीक्षा और निगरानी के लिए क्या तैयार किया? डैशबोर्ड तैयार किया। हरियाणा सरकार ने नागरिक संसाधन सूचना विभाग नाम से कौन सा नया विभाग शुरू किया? हरियाणा सरकार ने एक नए विभाग का गठन किया, क्या नाम है उसका? नागरिक संसाधन सूचना विभाग। रामायण में जो सुग्रीव की भूमिका अदा की थी वो किसने की थी? श्याम सुंदर कलानी जी ने की थी। वे कहाँ के निवासी थे? कालका पंचकूला के निवासी थे। उनका क्या हो गया? अप्रैल में निधन हो गया। कहनो रोहतक पंचायत को ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड 2020 मिला। ये कहानोर है, ये कलानोर नहीं है, इसे कलानोर में कंफ्यूज मत करना, ये कहानोर है, कलानोर के पास ही है कहानोर। कहानोर रोहतक पंचायत को ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड 2020 दिया गया है। इसके बाद आ जाते हैं हिसार, हरियाणा की पहली टनल युक्त मंडी बनी है। हिसार में क्या बन गई है? हरियाणा की पहली टनल युक्त मंडी बन गई है। इसके साथ साथ एक पॉइंट है, हरियाणा ने कोरोना के लिए कौन सा रिलीफ फंड बनाया? हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड, ठीक है। तो अप्रैल महीने के यही कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे, तो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक इट डू कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ऑनलाइन लाइब्रेरी चैनल। थैंक यू।